हत्या के दो मामलों में दोषी करार सतलोक आश्रम के बाबा रामपाल को आज हिसार की एक विशेष कोर्ट सजा सुनाएगी। इसके लिए हिसार समेत हरियाणा के कई हिस्सों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर देना है। कोर्ट ने नवंबर 2014 में हत्या के दो मामले दर्ज किए थे, जिनमें 11 अक्टूबर को रामपाल समेत 29 लोगों को दोषी करार दिया गया था। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीताम्बरा पीठ के दर्शन के साथ दो दिन के दौरे की शुरुआत की। एमपी में बीएसपी से समझौता नहीं होने के बाद ग्वालियर चंबल के इलाके में राहुल गांधी के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने दतिया के पीताम्बरा पीठ में पूजा के साथ की। धोती कुर्ता पहने राहुल गांधी ने पीताम्बरा पीठ में विधि विधान से पूजा की। दर्शन पूजन से ही वो दो दिन के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर इस वक्त 20 पर बीजेपी का कब्जा, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी की नजर इस इलाके पर है। इस दौरान मंदिर के पंडित ने उनके माथे पर तिलक लगाया और गले में माला पहनाई। राहुल गांधी जब मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उनके साथ कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, और पूजा के बाद तीनों नेता एक साथ बाहर निकले, जिसके बाद राहुल गांधी इलेक्शन रैली में शामिल हुए। रैली में आए लोगों ने हाथों में बैनर और कांग्रेस पार्टी के झंडे लिए हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को एससी एसटी समुदाय का हिमायती बताया। यही नहीं, राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने साधते हुए बीजेपी पर भी वार किया, और एससी एसटी समुदाय पर हुई ज्यादती का जिक्र करते हुए बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। रोहित वेमुला सिर्फ पढ़ाई करना चाहता था और उसको कुचल के दबाकर मारा गया। ग्वालियर चंबल रीजन की 8 डिस्ट्रिक्ट में असेंबली की कुल 34 सीटें। 2013 के असेंबली इलेक्शन में इनमें 20 सीटें बीजेपी और 12 कांग्रेस ने जीती थी, जबकि मुरैना जिले की अंबा और दिमनी सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। साथ ही शिवपुर, सुमावली, मुरैना और भिंड सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने ग्वालियर चंबल इलाके में पूरी ताकत झोंक दी और ग्वालियर में रोड शो किया। लगभग 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में राहुल गांधी के साथ कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे, और तीनों नेता खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे। दो दिन के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी ग्वालियर और चंबल संभाग पहुंचे हैं। इस वक्त ग्वालियर की सड़कों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस के झंडे और बैनर लेकर खड़े दिखाई दिए। इन लोगों ने राहुल गांधी पर फूल बरसाए। राहुल गांधी ने भी रोड शो में शामिल हुए लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस बीच राहुल गांधी के रोड शो में एक छोटी बच्ची भी पहुंची और एसपीजी के जवानों ने बच्ची को उठाकर राहुल गांधी तक पहुंचाया, जिसके बाद बच्ची ने राहुल गांधी को माला पहनाई, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बच्ची के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। इससे पहले राहुल गांधी ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की समाधि पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।